कैसे बताएं कि क्या कोई लड़की आपका इस्तेमाल कर रही है? हाउ टू टेल इफ अ गर्ल इज यूजिंग यू। यह एक दुखद सच्चाई है, लेकिन यह हर समय होता है। लोग जो चाहते हैं उसे पाने के लिए एक दूसरे का इस्तेमाल करते हैं। कभी कभी यह एक रिश्ते में हो सकता है। यदि आपको लगता है कि आप एक महिला द्वारा उपयोग किए जा रहे हैं, तो आपको नीचे दिए गए संकेतों को देखना चाहिए। यदि आप उनमें से कुछ का संयोजन देखते हैं, तो आप जिस व्यक्ति के साथ हैं वह आपका उपयोग कर सकता है। स्टेप वन, लुकिंग फॉर अर्ली साइंस। एक, अपनी स्थिति का आकलन करें। जो आपके पास है उसे एक लड़की चाह सकती है। अच्छे लुक्स से लेकर अच्छा कैश फ्लो या अच्छी कार तक आपको किसी भी चीज के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। आप अपने क्लाउड के लिए भी उपयोग किया जा सकता है, चाहे वह एक छोटे से परिसर में एक बड़ा नाम हो या यहाँ तक कि मामूली रूप से प्रसिद्ध हो। बेशक आपको इस्तेमाल करने के लिए एक बड़ी बात नहीं है। आप चाहे कोई भी हो, इसका फायदा उठाया जा सकता है। उदाहरण के लिए, यदि संबंध हमेशा एकतरफा होता है, जैसे कि आप हमेशा उसे हर जगह चला रहे हैं, तो आपका फायदा उठाया जा सकता है। दो, स्थिति के लिए उसकी इच्छा का आकलन करें। देखें कि क्या वह केवल आपके साथ बाहर जाने में रुचि रखती है। यदि आप उसे कहीं अच्छी जगह ले जाते हैं, देखो अगर वह सिर्फ कहीं जाना चाहती है जहां वह आपके साथ देखी जा सकती है। वह सिर्फ कुछ सहकर्मियों से मिलने के लिए भी घूम सकती थी। यदि वह आपके साथ केवल समय बिताने की तुलना में अधिक दिलचस्पी रखता है, तो उस पर नजर रखें। वह मुक्त सवारी की तलाश में भी हो सकती है, शाब्दिक रूप से, या सिर्फ कोई ऐसा व्यक्ति जो किसी चीज की आवश्यकता होने पर वहां जाएगा। तीन, जरूरतमंद कॉल के लिए देखें। यही है, कुछ महिलाएं आपको केवल कॉल करके उपयोग कर सकती हैं जब वे कुछ चाहते हैं। शायद वे चाहते हैं कि आप कुछ ठीक करें या उनके लिए कुछ चुनें। महिलाएं कब और कैसे आपसे फोन पर बात करती हैं, इस पर ध्यान दें। अगर वह हर कुछ हफ्तों में फोन करती है और हर बार एक एहसान चाहती है, तो वह आपके साथ नहीं हो सकती है। चार, केवल काम छेड़खानी के लिए जांच करें। यदि वह केवल आपसे काम पर चैट करना चाहती है, तो वह आगे बढ़ने के लिए आपका उपयोग कर सकती है। आप उसे डेट पर पूछकर चेक कर सकते हैं, लेकिन सावधान रहें, क्योंकि काम के रिश्ते मुश्किल हो सकते हैं। इसी तरह अगर वह कहीं और काम करती है, लेकिन केवल काम के सवाल पूछने के लिए आपको काम पर बुलाती है, तो वह सिर्फ आपका उपयोग कर सकती है। स्टेप टू, वॉचिंग फॉर साइंस व्हेन डेटिंग। एक, देखिए कि क्या वह कभी भुगतान करने की पेशकश करती है। कुछ लोग मान सकते हैं कि पुरुषों को अभी भी हर चीज के लिए भुगतान करना चाहिए। हालांकि यह आमतौर पर एक सही बयान नहीं है। यदि वह कभी भी किसी चीज के लिए भुगतान करने की पेशकश नहीं करती है, भले ही आप मना कर दे, तो वह आपका उपयोग कर सकती है। दो, उसे वास्तव में सुनने के लिए देखो। यही है, जब आप फोन पर बात करते हैं या एक साथ मिलते हैं, तो देखें कि क्या वह केवल अपने बारे में बात करता है। यदि वह आपके साथ क्या हो रहा है, यह सुनने के लिए समय नहीं निकालती है, तो वह शायद लंबी दौड़ के लिए इसमें नहीं है। तीन, जांच करें कि कहीं जाने का स्थान उसके बारे में है या नहीं। यही है, शायद वह केवल उन चीजों को करेगी जो वह करना चाहती है। वैकल्पिक रूप से, शायद वह तभी फोन करेगी जब शहर में कुछ चल रहा हो, जैसे कि एक बड़ा संगीत कार्यक्रम या एक नया क्लब खुलने पर वह चाहती है कि आप उसके लिए भुगतान करें। जब आप किसी चीज का सुझाव देते हैं, तो वह बाहर घूमने में संकोच कर सकती है, लेकिन जब वह कहीं जाना चाहती है तो उत्सुक होती है। चार, देखें कि क्या वह प्रतिबद्धता फोबिक है। यदि वह हमेशा अपने विकल्पों को खुला रखने की कोशिश कर रही है, तो आपके साथ योजनाओं के लिए प्रतिबद्ध होने के बजाय वह सिर्फ मैदान खेलना चाहती है। हालांकि वह भी सिर्फ तुम्हारे साथ जा सकता है। पांच,
देखे कि क्या वह केवल सेक्स के लिए बुला रही है। यदि वह केवल देर से कॉल कर रही है तो 10 या 11 बजे के बाद कहें, वह सिर्फ आपके साथ सेक्स करना चाहती है। आपको उसकी अनुसूची को ध्यान में रखना होगा। वह देर से बुला रही हो सकती है क्योंकि जब वह क्लास से बाहर या काम से बाहर निकलती है। बेशक यदि आप दोनों उस प्रकार के संबंधों के लिए खुले हैं तो यह ठीक है। हालांकि यदि आप इससे अधिक चाहते हैं तो आपको इसे समाप्त करने की आवश्यकता हो सकती है। स्टेप 3, पेइंग अटेंशन टू हाउ शी ट्रीट्स यू। 1. माफी के लिए प्रतीक्षा करें। हर कोई कभी कभी कुछ गलत करता है। आप माफी मांगे और आगे बढ़ें। हालांकि अगर वह कभी माफी नहीं मांगना चाहती है तो यह एक संकेत है कि वह रिश्ते की परवाह नहीं करती है। वह स्थिति को स्थानांतरित करने के लिए आंसू का उपयोग कर सकती है, उसके बिना यह स्वीकार करने के लिए कि वह गलत था। बेशक माफी मांगना दोनों तरह से जाता है। आपको एक रिश्ते में माफी मांगने के लिए भी तैयार रहना होगा। 2. देखो कि वह तुम्हारा परिचय कैसे कराती है। यदि वह रिश्ते में होने पर गर्व करती है तो वह आपको अपने प्रेमी को फोन करके खुश होगी। हालांकि यदि वह आपको सार्वजनिक रूप से स्वीकार नहीं करना चाहती है तो वह आपका उपयोग कर सकती है, खासकर यदि आपने निजी में अनन्य होने की बात की है। 3. देखे कि क्या वह आपको दिखाती है, मतलब देखे कि क्या वह वास्तव में चाहती है कि आप उसके दोस्तों और परिवार से मिलें। यदि वह अपने दोस्तों के साथ मिल जाने के बारे में सवालों को टालती है तो वह आपका इस्तेमाल कर सकती है। एक व्यक्ति जो एक ईमानदार रिश्ते में होने के लिए उत्साहित है, वह संभवतः आपको अन्य लोगों से मिलना चाहता है जो वह परवाह करता है। 4. जब वह गायब हो जाए तो उसे देखें। यदि आप नकदी पर कम हैं, तो क्या वह अचानक नक्शा बंद कर देती है? क्या आप उसे नहीं देखते हैं कि क्या आपकी कार मरम्मत के लिए है और आप कभी कभी उसे सवारी देते हैं? यदि आप नोटिस करते हैं कि आपके पास केवल तभी है जब आपके पास पेशकश करने के लिए कुछ सामग्री है, तो वह संभवतः आपका उपयोग कर रही है। इसी तरह अगर वह कुछ मांग रही है तो वह सभी मिठास और प्रकाश है, लेकिन फिर इसका मतलब है कि एक बार जब वह मिल जाता है तो वह सिर्फ आपका उपयोग कर सकती है। 5. सुनिश्चित करें कि वह आपके समय को महत्व देता है। उदाहरण के लिए यदि वह लगातार योजनाओं को रद्द कर रही है तो वह आपके समय का महत्व नहीं रखती है। हर किसी को कभी कभी रद्द करना पड़ता है, लेकिन अगर वह हमेशा आखिरी समय में झुकती है तो यह एक संकेत हो सकता है कि वह आप में नहीं है। इसी तरह अगर वह लगातार चाहती है कि आपके पास क्या अन्य योजनाएं हैं, तो वह कह रही है कि वह आपके मूल्य के बारे में परवाह नहीं करती है। स्टेप 4, कन्फ्रंटिंग द प्रॉब्लम। 1. उसे बताएं कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं। इस बारे में सोचें कि आप पहले से क्या कहना चाहते हैं और विशिष्ट उदाहरणों को शामिल करना। याद रखें कि आप कैसे सोचते हैं कि वह आपका उपयोग कर रहा है। गुस्सा या विरोधी मत बनो। बातचीत को विनम्र और शांत रखने की कोशिश करें। उससे पूछें कि वह स्थिति के बारे में क्या सोचती है। कुछ गुस्से के लिए तैयार रहें। यदि वह व्यक्ति आपका उपयोग कर रहा है तो वह संभावना से इनकार कर देगा और इसके बारे में नाराज हो जाएगा। यदि उसे लगता है कि वह आपका उपयोग नहीं कर रही है तो वह आरोप पर क्रोधित होगी। 2. जरूरतों के बारे में एक ईमानदार चर्चा करें। उससे पूछें कि उसे क्या चाहिए और एक रिश्ते से अपेक्षा करता है। एक रिश्ते से आपको जो चाहिए और उम्मीद करे उसे पेश करें। वहां से बातचीत करें कि कैसे रिश्ता आगे बढ़ सकता है। 3. आगे के लिए तैयार रहें। इस स्थिति के साथ आपके पास केवल 2 परिणाम हो सकते हैं। या तो आपको एक नए प्रकार के संबंध बनाने के लिए एक तरीके से काम करने की आवश्यकता होगी, या आपको इसे पूरी तरह से समाप्त करने की आवश्यकता होगी। टिप्स:
यदि वह नियोजित फोन कॉल या तारीखों को रद्द या स्थगित करता रहता है, तो वह यह देखने के लिए पानी का परीक्षण कर सकता है कि आपको कितना धक्का दिया जाएगा। यह पता लगाने का एकमात्र तरीका है कि केवल एक बार अपने लिए खड़े होना। या तो वह आपके साथ समय बिताने का प्रयास करेगी या वह आपको पूरी तरह से लड़की के आधार पर छोड़ देगी। यदि आपको पता चलता है कि एक महिला आपका उपयोग कर रही है, तो आप उसके बारे में सामना कर सकते हैं, जिससे स्थिति बदल सकती है। हालांकि आपको रिश्ते को पूरी तरह से समाप्त करने की आवश्यकता हो सकती है।